गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम शिल्पा वर्मा, टीचर फ्रॉम विमला देवी पब्लिक स्कूल। आई स्टडी क्लास थर्ड, सब्जेक्ट EVS। टुडे वी रिवाइज अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 20, अबर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स पैसा, ऐसा काम जिसके बदले आपको पैसा मिले, है ना, तो उसे हम कहेंगे आपका ऑक्यूपेशंस। ओके, टेलर मेक्स क्लॉथ विथ क्लॉथिस विथ क्लॉथ एंड पॉटर विथ द क्ले मेक्स टॉयस एंड पॉट्स। क्या कह रहे हैं, जो टेलर है वो क्या करता है, कपड़ों से, कपड़ों का जो थान रहता है उससे कपड़ा बनाता है, कपड़ा सिलने का काम करता है। वैसे ही जो पॉटर, पॉटर मीन्स कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता है। ए कारपेंटर मेक्स फर्नीचर्स यूजिंग द वुड, और कारपेंटर मीन्स बढ़ाई, जो लकड़ी का काम करते हैं। तो जो कारपेंटर है, बढ़ई है, वो लकड़ियों से फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। वेयर ए स्वीट्स मीट मेकर मेक्स गुलाब जामुन जलेबीस एंड लड्डू, और वैसे ही जो स्वीट मेकर होते हैं, मिठाई बनाने वाले होते हैं, वो गुलाब जामुन जलेबी और लड्डू बनाने का काम करते हैं। आयरन इज अ स्मिथ्स एंड ज्वेलरी एडॉर्न्ड मोस्टली बाय द वुमन्स, इट्स कर बाय द गोल्ड स्मिथ। और वैसे ही जो आयरन, आयरन के जो सामान होते हैं, लोहे का औजार बनाने का काम ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार करते हैं, और ज्वेलरी जो मोस्टली लेडीज़ों को बहुत अच्छा लगता है, उसे बनाने का काम कौन करता है, आपका गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार करता है। रीड दिस पोएम गिवन अबोव एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो। आपने टेबल पोएम जो ऊपर दिया गया हमने रीड कर लिया है, अब जो टेबल नीचे दिया गया उसे आपको फिल करना है। फर्स्ट कॉलम में दिया गया ऑक्यूपेशंस मीन्स पेसा, हु डज इट, इस काम को कौन करता है, एंड द टूल यूज्ड, और इस काम को करने के लिए कौन कौन से औजार लगते हैं, आपको ये फिल करना है। तो फर्स्ट दिया आपको वन हु स्टिच, स्टिच मीन्स सिलाई करना क्लॉथ्स, तो हमारे कपड़े कौन सिलाई करता है, हु डज इट, टेलर। द टूल यूज्ड स्विंग मशीन्स एंड टेप एंड सीजर, है ना, सिलाई मशीन है, टेप है और सीजर का यूज़ करके ये क्या करते हैं, कपड़े की सिलाई करेंगे। वन हु मेक्स टूल्स विथ आयरन, एक पर्सन जो लोहे का सामान बनाता है वो कहलाता है, हु डज इट, ब्लैक स्मिथ, वो होता है आपका लोहार। द टूल यूज्ड हमर्स हो स्क्रू ड्राइवर, तो कौन, वन हु मेक थिंग्स विथ क्ले, क्ले मीन्स मिट्टी, जो मिट्टी से बर्तन बनाने का सामान बनाने का काम करता है, पॉटर। टूल यूज्ड व्हील एंड क्ले, मिट्टी और पहिया। वन हु मेक्स थिंग्स विथ वुड, वुड मीन्स लकड़ी, एक पर्सन जो लकड़ी से फर्नीचर बनाने का सामान बनाने का काम करता है, वो होता है आपका कारपेंटर, और मोस्टली इसका टूल होता है साव मिल, जिससे वो लकड़ियों को फाड़ने का, चिरने का काम करता है। देन हमर, हमर का भी यूज़ करता है, स्क्रू ड्राइवर का भी आगे ये यूज़ करेगा। वन हु मेक्स ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड स्मिथ, और गोल्ड स्मिथ भी स्पैनर का यूज़ करते हैं, छोटे छोटे जो औजार होते हैं ना, उन सब का यूज़ करके ये सोने के आभूषण बनाते हैं। फर्स्ट वी मीट मीटिंग विद अ पॉटर, सबसे पहले हम मिलेंगे पॉटर से। विजिट अ पॉटर हाउस टू फाइंड आउट ऑल दैट ही डज टू मेक अ क्ले पॉट्स एंड विजल, सबसे पहले हम मिलने जाएंगे पॉटर, पॉटर मीन्स कुम्हार से, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, और देखेंगे कि वहाँ वो मिट्टी के जो घड़े हैं, मिट्टी के जो गमले हैं, वो कैसे बनाता है। फाइंड आउट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उनसे मिलकर ये जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर भी फाइंड करना है। फर्स्ट, व्हाट थिंग्स डज द पॉटर मेक, पॉटर मेक टू यूजिंग अ क्ले, नेम देम, जो पॉटर है वो मिट्टी से कौन कौन सी चीज़ें बनाता है, उसके नाम लिखने हैं। तो पॉटर क्या क्या बनाता है, आपका पॉट, पिचर, अर्थन लैम्प, अर्थन टॉयज, है ना, घड़े बनाता है, मटके बनाता है, मिट्टी के दिए बनाता है, और मिट्टी के खिलौने, ये सब पॉटर ही बनाता है। टू मेक दिस थिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ द क्ले डज ही यूज, फ्रॉम वेयर डज ही गेट इट एंड फाइंड देम, मिट्टी के इन सामानों को बनाने के लिए जो कुम्हार है वो किस तरह की मिट्टी का, कौन सी मिट्टी यूज़ करता है, और ये मिट्टी उसे मिलती कहाँ से, ये सब आपको पता पूछ कर बताना है। द क्ले इज मोल्डेड ड्राइड एंड दे टेक ग्राउंड इन द पाउडर, पावर, सॉरी पाउडर,
तो ये जो मिट्टी होती है वो मोल्डेड मिट्टी, ड्राई और ड्राई मिट्टी होती है। जो किस टाइप की मिट्टी यूज़ करते हैं, चिकनी और सूखी मिट्टी का यूज़ करते हैं उस। और ये मिट्टी एक लाते कहाँ से, दूर खेतों से, जहाँ जिस खेत की मिट्टी इन्हें पॉट बनाने के लिए अच्छी लगती है, पॉट बनाने के लिए परफेक्ट होती है, ऐसे मिट्टी का यूज़ ये क्ले आइटम बनाने के लिए करते हैं। टू मेक क्ले पॉट्स, ये पावर नहीं आएगा ना, ये पाउडर होगा। ओके, टू मेक क्ले पॉट्स व्हाट आर द टूल्स दैट ही यूजेस मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के घड़े बनाने के लिए कौन से जो टूल्स है, कौन से औजार का यूज़ करके पॉटर जो है मिट्टी का पॉट बनाता है, क्ले पॉट बनाता है। क्ले मे बी मोल्डेड बाय द हैंड आर विद द हेल्प ऑफ द पॉटर व्हील्स। तो मिट्टी को मिक्स करने के लिए, अच्छे से मोल्ड करने के लिए, या मिट्टी के मोल्ड या तो वो अपने हाथों से करेगा, या तो जो पॉटर व्हील होता है उसका यूज़ करके जो पॉटर है वो क्ले के पॉट्स बनाएगा। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ट्राई टू मेक अ अर्थन लैम्प्स ऑन द पॉटर व्हील्स। अगर आपको कभी मौका मिले कि आप जो पॉटर का व्हील है, कुम्हार का पहिया है, उसके उससे आप अर्थन लैम्प मीन्स दिया बनाए, तो गिवन बिलो इज द प्रोसेस मेकिंग अ क्ले पॉट्स, नंबर देम 1, 2, 3 इन सीरियल ऑर्डर। आपको ये जो चीज़ें हैं जो मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए करनी होती हैं, तो इसे आप नंबरिंग देंगे कि कौन सा आप पहले करेंगे। तो पहले आप, सबसे पहले आप करेंगे डिग एंड ब्रिंग क्ले, सबसे पहले आप मिट्टी खोदेंगे और मिट्टी खोद कर उसे लेकर आएंगे। सेकेंड आप करेंगे प्रिपेयर अ क्ले, उसमें जो कंकड़ पत्थर मिट्टी है उसको सेपरेट करके जो बारीक मिट्टी है उससे प्रिपेयर कर लेंगे। थर्ड आप करेंगे मेक अ अर्थन पॉट्स ऑन द पॉटर व्हील। उसके बाद थर्ड में आप करेंगे अगर आपने प्रिपेयर कर लिया क्ले को, उस प्रिपेयर क्ले से आप अर्थन पॉट बनाएंगे। देन ड्राई एंड अनड्राइड द पॉट, ड्राई द अनड्राइड पॉट। उसके बाद आपने जो पॉट बनाया है उसे सुखा लेंगे। देन बेक द ड्राइड अर्थन पॉट, सुखाने के बाद उसको पकाना पड़ता है ना, उसको जो कुम्हार होते हैं क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन पहले बनाते हैं, उसे सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसे आग में पकाते हैं। तो आपको भी बेक द ड्राइड अर्थन पॉट, अपने जो मिट्टी के बर्तन सुखाए हैं उसे आपको पकाना पड़ेगा। देन कलर द बेक्ड अर्थन पॉट, उसके बाद आपने जो पकाया हुआ, पका लिया आग में अर्थन पॉट को, उसे अच्छे से कलर कर देंगे। टेक द अर्थन पॉट्स टू द मार्केट, उसके बाद उस अर्थन पॉट को मार्केट में ले जाकर बेच देंगे। तो ये सारे काम जो एक पॉटर जो है करता है। ओके, Why does the potter need to bake the earthen pots? हमने देखा है कि जो पॉटर होते हैं, कुम्हार होते हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उसे सुखाकर ही नहीं बेचते, उसके बाद उस सूखे हुए बर्तन को पकाते भी हैं, आग में क्या करते हैं, अच्छे से बेक करते हैं। तो उन्हें पॉटर को किसी बर्तन जो बनाया है मिट्टी का, उसे पकाने की ज़रूरत होती है, क्यों? आंसर, ओनली द ड्राई पॉट इज सनलाइट नॉट मेड स्ट्रोंगर। अगर हम केवल धूप में सुखाकर उस जो मिट्टी का बर्तन है उसे केवल धूप में सुखा देंगे तो वो ज़्यादा मजबूत नहीं बन पाता है। देन द पॉटर नीड टू बेक अ अर्थन पॉट बैक, इसलिए उस मिट्टी के बर्तन को मजबूत करने के लिए जो पॉटर है उसे मिट्टी के बर्तन को आग में पकाता है। इन विच यूटेंसिल्स विल द वाटर रिमेन्स कोल्ड एन अर्थन आर पोज ब्रॉन्ज यूटेंसिल। अगर कौन से बर्तन में आप पानी रखेंगे, मिट्टी के बर्तन में कि एक ब्रॉन्ज पीतल के बर्तन में, तो कौन से बर्तन का पानी ज़्यादा ठंडा होगा और क्यों? बिकॉज ऑफ द यूटेंसिल वी यूज अर्थन, अन अर्थन यूटेंसिल रिमेंस वाटर कोल्ड। जो मिट्टी के बर्तन है उसमें पानी ज़्यादा ठंडा होगा। रीज़न इसका है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, पॉट्स सिप्स इन टू द स्मॉल पोर्स इन द पॉट एंड इवेपोरेट फ्रॉम द पॉट्स। इसका रीज़न ये होगा कि मिट्टी के घड़े में जब हम पानी रखते हैं तो मिट्टी के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें पानी के जब बूंदें उसमें पड़ती है तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, वाष्पीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसमें जो स्टोर किया हुआ वाटर है वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जब हम मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं तो वो ज़्यादा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रॉन्ज यूटेंसिल। ओके,
क्वेश्चन दैट इज इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट वी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास.